सत श्री अकाल डॉक्टर संतोष सिंह चंडीगढ़ तो आज मैं वीडियो बना रहा है। एक और अच्छी खबर मैंने मिली सी, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इजराइल तो ट्विटर तो मैंने कुछ हिंट मिला सीगा ते मैं उन्होंने खोजबीन की थी। उतना दी यूनिवर्सिटी हैगी एक बैंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गैबी हैं जिन्होंने कुछ एक खोजबीन की है। एक खोजबीन यह है कि जिस तरह आप नहीं ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे होंगे कि दारू चेक करते हैं फूक मार के मशीन के प्रिंसीपल होंगे तुम बाद चो समझावगा, उस तरीके का जगाड़ इजराइल ने बना लिया है। फर्स्ट स्टेज कवर है, फर्स्ट स्टेज सक्सैसफुल है, 90% रिजल्ट अच्छे आ गए हैं, सैकेंड स्टेज पर जा रहे हैं। हूँ ये जो चीज़ा है इनका की होएगा, ये इन्नी अच्छा वो जगाड़ बनाया जो मतलब आप मशीन बनाई है जी आप फूक मार के आप चेक कर लें दारू नू, उसी तरीके कोरोना चेक करेगा वायरस नू, ये सिर्फ मूछ पा के हवा मारनी है हवा साह कढ़ना है तो कोरोना के वायरस ये लोड चेक कर लेंदा है। ये ईवन जेडे ए सिमटोमैटिक हैगे हैं जिन्हों का वायरस बहुत घट है जिन्होंने कोई तकलीफ नहीं हो रही साढ़े घर के बैठे हुए हैं या अपने घूम फिर रहे हैं जो अगर वायरस फैलान गए आम टाइम के इजराइल ने सारा जोर लाता। तुम पहले भी कहा उन्होंने मिलटरी भी ये रिसर्च के मतलब कि हस्तक्षेप करती है उत्थे इंटरस्ट शो कर रही है सारी इजराइल की जी जो भी इन्होंने तरीके है साइंटिस्ट है डिफेंस सिस्टम है वो मिलजुल के इन काम कर रहे हैं। मैं तुम दिखावगा हूँ इन्हों की पोस्ट जो उन्होंने पाई है ट्विटर के उत्ते आप भी देख सकते हो। अच्छा ये मशीन जी है ये सिंपल होएगी, इसकी जी कॉस्ट होएगी वह महंगी है, वह इजराइल ने कढ़ी है इस टाइम $4 लाख की, तो एक टेस्ट जोड़ा होएगा वह तकरीबन $50 का पेगा। मतलब कि जो हम गवर्नमेंट का काम है वह हौली हौली सस्ते रेट करेंगे अपन लेंदे नहीं है। जो चीज़ नवी चीज़ दस लगा है कि यह मशीन इजराइल ने बना लीती है तो उन्होंने फोटो भी दिखावगा, मेरी वीडियो पूरी देखना, मैं तुम्हें ट्वीट भी दिखावगा और फैक्ट्स भी दिखावगा जिसके आधार से मैं वीडियो बना रहा है। ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन परपज लिए हैगी है कि तरक्या हो रही हैं इस फील्ड के नवी तरक्की हुई है कि जिस तरह ब्रैथ एनालाइजर करते हैं असं साढ़े सह के 8000 वोलाटाइल ऑरगैनिक सबसटांस जिद गैस पार्टीकल कंपाउंड निकलते हैं, तुम्हें पता है साढ़े एक बार सारा बाहर कड़ते हैं असं और 8000 मतलब कि नोन तो अननोन ऑरगैनिक वोलाटाइल सबसटांस निकलते ने सानू नहीं पता हले दी। ठीक है जी, ये तो मैं दस रहा है कि ये चीज़ होंगी है वो दी जे हले भी कई चीज़ा अननोन है ट्रेस नहीं कर सके असी तो इन्होंने उस थ्योरी के उत्ते इन्हों लग्या कि जो वायरस बाहर मूँह चो आएगा वो कुछ तरह वो मास कुछ तरह वह वेट होएगा, वायरस का वेट हैगा इस टाइम 150 नैनोमीटर 100 to 150 nanometer वेट हैगा। इन्होंने की किया उस मशीन के एक चिप पाती, वो चिप जी हैगी है वो रेजोनेंस के नाल टैट्रा हर्ज रेजोनेंस के नाल मैं अंग्रेजी बोल रहा टैट्रा मतलब उन्होंने वाइब्रेशन उत्थे वाइब्रेट करवाती है। ठीक है जी, उस तो बाद एक होंगी है गैस क्रोमैटोग्राफी, वो सैपरेट करती है उस चीज़ को बाकी गैसों तो अलग करती है। एक होंगे मास स्पैक्ट्रोमीटरी, वो जरा वो वायरस जो चीज़ कढ़ी है वह मास देखती है, एक्यूरेट जुगाड़ है सारे ये मने हुए पुराने हुए गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पैक्ट्रोमीटरी ये पुरानिया चीज़ा है जो असी किसी भी समान चो असी चेक कर सकते हैं कि समान किस चीज़ का बनया हुआ है। इन्होंने इजराइल ने किया कि वह चीज़ इन्होंने मशीन के हवा मारा उस दे विच चिप ला के वायरस नू वाइब्रेट करा के टैट्राहर्स फ्रीकुएंसी के उत्ते गैस क्रोमैटोग्राफी तो मास स्पैक्ट्रोमीटरी विच ही इंस्ट्रूमेंट ही फिट किया हुआ सारा कुछ, एक मिनट के टेस्ट पॉजिटिव नैगेटिव दे देती है, एक्यूरेट टेस्ट देगी। ये IgG IgM का कोई रोल नहीं है, IgG IgM का कोई रोल नहीं है, ये एंटीजन एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है, वायरस डायरेक्ट फड़ा जाता है। ये किस प्रिंसीपल से बनी है, ये थोड़ी इंग्लिश हैगी है, ये कॉम्बीनेशन ऑफ फिजिक्स फोटोनिक्स ते इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, ये तीन डिपार्टमेंट ने टाइम मैं कहता सी पंजाब सूबे नूं बच्चों आपां पढ़ाना है ताकि इस तरक्की करन आपां भी देश दे अग्गे होके असीं भी कहीए कि असीं भी कुछ ही बना सकते हैं। तो ये चीज़ इजराइल ने की है तो मैं दोबारा दस रहा, एक ऐसी मशीन बन गई है जिन्हों आप मूछ हवा मार के वायरस चेक कर सकते हैं, ये वायरस का लोड भी चेक कर देती है कि वायरस किन्ना है, ये मरीज ये सिमटोमैटिक है कि पूरा पेशेंट है पेशेंट। टेस्ट इन्होंने किस तरह किया, टेस्ट इन्होंने इस तरह किया, पहली स्टेज के इन्होंने 50 बंदे फड़े जिन्होंने वायरस सेगा, 50 बंदे वो फड़े जिन्होंने वायरस नहीं सेगा, उन्होंने चेक किया, ये टेस्ट पास हो गया, 90% रिजल्ट ओके आ गए। हुण सैकेंड स्टेज से ये कल रात की रिसेप्शन का दस्या तुहानू मैं, कल रात की ट्वीट सी, कल हुण सैकेंड स्टेज से आ गए ने, इन्होंने हुण बैच 200 बंदे का फड़नगे, तुहानू मैं ट्वीट दिखा दिना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ट्वीट है, इतने फोकस करो,
इन्होंने क्या है कि फ्रॉम मिसाइल टू डेडली वायरस दे आर फाइटिंग। ठीक है जी, एक कल की ट्वीट हैगी 6 घंटे, मैं स्नैपशॉट लिया शाम नू, रात नू, रात दे 11 बजे ट्वीट है। उस तो बाद जो निखरे ने फ्रॉम मिसाइल टू डेडली वायरस, इन्हों जो भी इन्हों साइंटिस्ट लगे हुए ने ये सारे डिफेंस करने लगे हुए हैं COVID-19। उस तो बाद तुम दिखा देना ये फाइटिंग टैरर बाय डे, ये दिन के है फलस्तीन वगैरह उन्होंने लड़ते हैं, रात को सारे साइंटिस्ट मिलकर कोरोना फाइट करते हैं, टेस्ट नवे करते हैं। आएगा जी, इजराइली साइंटिस्ट इनवेंट्स 1 मिनट कोरोना वायरस ब्रेथ टेस्ट। ठीक है जी, आएगा वो चीज, आ हैगी वो मशीन, इतने फूक बजेगी रिजल्ट डिस्पास होती है सारा बिचे दे, ये सारी चिप लगी हुई है, एक मैं दोबारा बोल रहा चिप लगी हुई है। उस तो बाद गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो जो साइंस केमिस्ट्री समझते हैं फिजिक्स समझते हैं वो मेरी गल नू समझ जाएंगे कि वो नाल 1 मिनट के बीच रिजल्ट आ जाएगा। आ चीज़ बन चुकी है, ये तुम देख सकते हो साइट पर जाके। तो ये जी मशीन का कॉस्ट है, देखो आ लिखा है $4 लाख, 5 सिफर ने लख बन गया, तो एक टेस्ट लिखे है $40 to $50। तो ये न्यूज़ सी अज की मैं राती लगा रहना, कोई ना कोई नवी चीज़ जी होंगी रही है तो मैं अपडेट करा। संतोख गैट क्लीनिक वालों सत श्री अकाल, अपना बहुत ध्यान रखो, असी इस डिजीज़ नू फाइट करना है, सारी दुनिया कर रही है, तो मेरे को जो भी अच्छी जानकारी आएगी लेटेस्ट आएगी ओथेंटिक आएगी डॉक्टर संतोख उत्थे होएगा। सत श्री अकाल भाजी।